वहीं गोविंद सागर झील में 7 युवकों की डूबने के चलते हुई मौत की घटना के बाद सभी शवों का मोहाली के बनूड़ में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मृतकों के परिजन फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ से सनसनीखेज घटना के बाद ऊना जिला प्रशासन ने किसी भी व्यक्ति के गोविंद सागर झील में उतरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि गोविंद सागर झील में ये 7 युवक उतरे थे और डूबने से इन 7 युवकों की मौत हो गई है। मोहाली के बनूड़ में इनका अंतिम संस्कार किया गया है। जाहिर तौर पर इस खबर के बाद से ही परिवार में मातम का माहौल है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस घटना के बाद अब सरकार की ओर से और साथ ही यहाँ प्रशासन की ओर से सभी का गोविंद सागर झील में उतरने पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंजाब के रहने वाले, पंजाब के मोहाली के रहने वाले ये 7 युवक थे। 4 तो जो लड़के थे वो किश्ती वाले से बात करने चले गए भी हमको ये जो सागर है पार करा दो, तो बाबा बलगना दो, जो झील है वो पार करनी पड़ती है किश्ती से, तो पार करने 4 और किश्ती वाले से बात करने चले गए। ये नहाने के लिए वहाँ बैठ गए किनारे पे, तो एक लड़का था जो कपड़े था, एक लड़का था जो नहाने के लिए बीच में मिल के, तो बड़ा उसका पैर स्लिप करके वो अंदर गहरे पानी में चल गया। दूसरा उसको बचाने के लिए जब उसने शोर मचाया, दूसरा उसको बचाने के लिए गया, वो भी डूब गया। सर ये तो बहुत दुखदायक घटना हुई है जो हमने कभी लाइफ में सुना नहीं आज तक। कभी सुना होगा तो एक आधा कोई बंदा गया होगा, हमारे गाँव के जो 7 गए हैं, सबसे दुखदायक घटना ही हमारे हुई है जिसको हम ना भूल पाएंगे ना कभी सोचा होगा जिंदगी में ऐसा कुछ। गांव में सर ऐसा माहौल है कि बस पूछो ना जी, तो सारा गांव ना अपड़ा दबड़ी मिची हुई है भी। हम तो ये सोच रहे हैं अभी यहाँ से निकले तो आगे जाके कुछ ऐसा हादसा ना हो, हम तो भगवान से माता रानी से यही दुआ करते हैं भी बाकी जो घटना हो गई है यही अपना हो जाए। तो बस क्या करना है, देखो क्या कर सकती सरकारी, मैं भी एमडीकेट आई, इक्के बच्चा था ही, वो भी पूरा हो गया ही, बाकी हम मजदूर बंदे आई, माता सरकार की वही बेनती है गरीब बंदे की मदद करे कोई ना कोई। 7 जो पंजाब से आए हुए लोग थे उनकी ड्राउनिंग से डेथ हुई, उसको देखते हुए आज एक ADM ऊना की अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर की गई है कि ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हों, उसके लिए क्या क्या मेजर्स वहाँ पे लेने हैं अंदरौली में, उस पर रिपोर्ट जो है 7 दिन के अंदर ADM ऊना देंगे। साथ ही वहाँ पर ये आदेश किए गए हैं कि फ़िलहाल SP ऊना के माध्यम से वहाँ पुलिस की ड्यूटी लगाकर और जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं वो जो वाटर्स हैं गोविंद सागर लेक के बैंक्स हैं उनके पास